सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सुशांत की फैमिली के अगेंस्ट कुछ मीडिया चैनल्स कैंपेन चला रहे हैं ताकि इसका बेनिफिट रिया चक्रवर्ती को मिल सके। उन्होंने बताया कि जो न्यूज़ चैनल्स पर थ्योरी चल रही है कि सुशांत की फैमिली ये सब कुछ उनकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए कर रही है ताकि उन्हें पैसा मिल सके, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुशांत की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी ही नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि सुशांत की सिस्टर्स को सिर्फ ये बताया गया था कि उन्हें कौन सी मेडिसिन देनी है, ये नहीं बताया गया था कि उन्हें क्या डिसीज है। देखिए उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंह की तीन बहनें आज मेरे से मिली और अपने बिहाफ पे भी और अपने पिता के बिहाफ पे भी बड़े दुख प्रकट किए उन लोगों ने कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एकाध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से, उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फ़ोन किया, तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। इसके बावजूद ये FIR पब्लिक डोमेन में शुरू से है, सारी दुनिया इस एफआईआर को जानती है, सब लोग पढ़ चुके हैं, इस पर तमाम डिबेट हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। यह कैंपेन बिल्कुल मेलिशियस कैंपेन है। यह सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल्स चला रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि उन चैनल्स को आप आज यहां आने मत दे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस देश में फ्री स्पीच है। हर चैनल के माध्यम से, उन चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ यह मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सरकमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन कुछ चैनल्स में एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज आप लोग को एक और चीज मैं बता दूं, आज परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब
सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और परिवार ने यह निर्णय लिया है कि अगर ऐसा इस आज के बताने के बाद भी अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परिवार इसको होने नहीं देगा। धन्यवाद।